Hello everyone, how are you all and welcome to my YouTube channel UGC Net Public Administration. So this is lecture number 42 of Administrative Thinkers. So last lecture mein humne discuss kiya tha Elton Mayo ke bare mein ki unhone kis tarah se jo hai Hawthorne experiments kiye the. So aaj hum padhenge aapki human relation theory ke bare mein jo unhone di thi Elton Mayo ne, theek hai? Iske kya kya aspects the, theek hai? To isse pehle ki hum shuru kare to main aapko ek information bata dun ki maine Insta Mojo pe jo hai जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस किए थे और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसकी एक पीडीएफ फाइल जो है इंस्टा मोजो पे डाल दी है. उसका प्राइस है 99 रुपीज़, ठीक है? ई बुक होगी वो, तो उसमें आपको प्रिसाइज नोट्स मिलेंगे जैसे पीपीटीज में थे. पीपीटीज के अलावा भी कुछ एक मैंने उसमें डाला हुआ है मटीरियल, तो आप उसको जाइए और वहाँ से खरीदिए और अपने प्रेपरेशन के लिए नोट्स वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है? और एक खास बात यह है कि भाई जो वो पीडीएफ है उसमें काफ़ी स्पेस मैंने दिया हुआ है, बहुत ही मतलब काफ़ी स्पेशल है वो पीडीएफ. उसमें क्या कर सकते हैं आप कि जो मेरे नोट्स है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो तो है ही है, साथ में उसमें जो है हर पेज पे जो काफ़ी सारा स्पेस मैंने दिया हुआ है ताकि आप उसमें जो है अपने नोट्स भी इंक्लूड कर सकें, ठीक है? अगर आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करना चाहते हो तो उसमें आपको बेस्ट ये रहेगा कि उसमें आप अपने नोट्स ऐड कर सकते हो क्योंकि उसमें मैंने स्पेस काफ़ी दिया है हर पेज पर, ठीक है? तो वहाँ से जाइए उसको खरीदिए, ठीक है? ओनली 99 रुपीज़ इंस्टा मोजो पर. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है? तो आप वहाँ पे जाइए और इसको खरीदिए. चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो एल्टन मेयो ने दी थी उसमें क्या क्या इन्होंने कहा था. तो बेसिकली उन्होंने कहा कि इसके तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है? कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहला एलिमेंट है द इंडिविजुअल, ठीक है? इंडिविजुअल किस तरह से, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड परसेप्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स. जो भी आपके इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके इमोशंस की इम्पॉर्टेंस और उनकी परसेप्शन, वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बोलती है, ठीक है? द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द ह्यूमन रिलेशंस एट वर्क. जो भी आपकी प्रोडक्शन हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी आउटपुट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है वो किस तरह से डिटरमाइन होती है, वो डिटरमाइन होती है कि आपकी ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं काम करते हुए, ठीक है? आपके वर्कर्स के रिलेशन कैसे हैं आपस में, आपके वर्कर और मैनेजमेंट के रिलेशन कैसे हैं आपस में, ठीक है? That these all are the factors on which production and output depends, ठीक है? रोहित लिस्बर्गर ने कहा कि ईच पर्सन इज़ यूनिक. इन्होंने कहा कि हर एक पर्सन जो है यूनिक होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिज़ायर्स अलग अलग होती है, ठीक है? ईच पर्सन हैज़ सम होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ हिज जॉब सिचुएशन. जो भी पर्सन किसी कंपनी में काम करने आता है, फैक्ट्री में काम करने आता है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उसकी कुछ होप्स होती है अपनी जॉब की सिचुएशन को लेकर कि मुझे जो है जॉब अगर मिल रही है तो वहाँ पर वर्क एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है? ये तो था इंडिविजुअल के बारे में. और दूसरा जो उसका एस्पेक्ट आता है दैट इज़ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बोलती है कि भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है? और ये नेचुरल भी है. एम्फेसाइजेस ऑन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने बोला कि उन्होंने काफ़ी जोर दिया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. हिक्स एंड गुलेट ने क्या कहा, द इनफॉर्मल शैडो ऑर्गेनाइजेशन दैट एग्जिस्ट विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज एम्फेसाइज. इन्होंने कहा कि भी जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो एग्जिस्ट करती है आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ, इस पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है? फोकस इज ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन. इन्होंने फोकस किस बात पे किया कि जो सोशल एस्पेक्ट होते हैं मैन के, कौन कौन से, जैसे कि टू बी एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्टेंस होना किसी इंडिविजुअल की, ठीक है? टू बिलोंग, किसी से रिलेशन रखना, यानी कि एक रिलेशन बिलोंगिंग की फीलिंग आनी चाहिए आपकी कंपनी के साथ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ. एंड टू स्टैंड वेल इन हिज वर्क ग्रुप, या फिर अपने वर्क ग्रुप में उसका एक ओहदा होना चाहिए, उसकी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं मैन के जो बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ने इन चीज़ों पर फोकस किया, ठीक है? एल डी वाइट ने क्या कहा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सेट ऑफ वर्क रिलेशनशिप दैट ग्रो आउट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ पर्सन्स वर्किंग टुगेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन्होंने कहा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रिलेशनशिप का एक सेट है जो किस तरह से ग्रो होता है आपके, जब आप इंटरेक्शन करते हो आपस में, वर्किंग मतलब जब आप काम करते हो, इंटरेक्शन करते हो आपस में, और साथ ही साथ जो काफ़ी टाइम आपको जो है हो जाता है इंटरेक्शन करते हुए, काम करते हुए साथ में, ठीक है? वहाँ से जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, ठीक है? ये एक तरह से रिलेशनशिप का सेट इन्होंने कहा, और एल डी वाइट ने इसको आपने याद रखना है, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये. जो थर्ड आता है इसका, जो लास्ट इसका जो एलिमेंट है दैट इज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है? पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में इन्होंने कहा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन किसकी, वर्कर्स की. वर्कर्स डिस्कस विद द सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के साथ जो वर्कर की डिस्कशन होनी चाहिए ऑन सर्टेन इशूज रिलेटेड टू द वर्कर्स या वर्क, ठीक है? Develops a sense of participation on the group.
जो ग्रुप है उसमें जो एक ऐसी सेंस आप डेवलप करते हो जैसे उनको लगे कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर हमारा पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। रिजल्ट्स इन हायर प्रोडक्टिविटी, इससे क्या होता है, हायर प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जब आती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ तो वर्कर क्या करता है अपना मतलब एक तरह से बेस्ट देता है, ठीक है। मेक्स वर्किंग एनवायरनमेंट मोर प्लीजेंट, जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है उसको प्लीजेंट बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत खुशनुमा सा एक एनवायरनमेंट होता है जिससे क्या होता है वर्कर जो है खुशी खुशी काम करते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय द वर्कर्स, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं उसकी एक्सेप्टेंस होती है वर्कर्स के बीच में, ठीक है, इससे क्या होता है प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और गोल्स जल्दी अचीव हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द अदर डेज, ठीक है। चलिए, सो दैट वॉज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो कि हमारा पोर्शन बच चुका था, मतलब बचा था पिछली बार जो हमने लेक्चर किया था एल्टन मेयो का, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ स्टे विद मी फॉर योर नेट प्रिपरेशन, और इंस्टा मोजो पे जरूर जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से जो है ई बुक अपनी डाउनलोड कर लीजिए, महज 99 रुपीज़ की है, ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं है, तो प्लीज़ वहाँ से उसको खरीदिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।